मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं क्यूटीवी भारत न्यूज। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं होता, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं होता। सरल सटीक ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लोगों का पसंदीदा चैनल क्यूटीवी भारत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ इस समय जसवीर सिंह उर्फ जस्सा मौजूद हैं, जो वाकई ही पार्टी के अंदर सक्रिय हैं, लगातार अपनी सेवाएं देते हैं और निर्भय निष्पक्ष तरीके से पार्टी के अंदर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, आजम खान साहब के बहुत करीबी भी हैं। मेरे साथ वो इस समय मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा आखिरकार आजम खान की जो है जमानत मंजूर हो गई है, मगर विपक्ष अभी भी लगातार उन पर तंज कस रहे हैं, लगातार उन पर शिकंजा कस रहे हैं। कुछ नहीं, विरोधी तो करते ही हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ तो सब मंजूर। मैं उनको ही बधाई देता हूँ जो जज साहब ने उनको मंजूर करी है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ईमानदार जज, ऐसे लोग जो होंगे तो देश का भला करने के लिए कुछ अच्छे लोग होते हैं। गलत लोगों के कहने से क्या है, जब ऊपर से ऑर्डर हो गया है तो मंजूर। जो व्यक्ति 9 बार का विधायक हो, जो लगातार 4 बार मंत्री बना हो और अच्छी पहुंच वाला आदमी हो, क्या वो बकरी चोरी, भैंस चोरी जैसे ऐसे अपराध कर सकता है? अरे भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत बार के कह चुका हूँ, ये जो गवर्नमेंट हमारी बेईमानी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है भ्रष्टाचार है, ये ऐसे लोगों के ऊपर देखो, जो 9 बार विधायक रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, इस टाइम हमारे एमपी साहब हैं वो, उन हमारे उनके घर में जो है, जिन्होंने 50 वर्ष बच्चों को तालीम दी, उनमें से लाखों बच्चे ऐसे, हजारों की गिनती में लाखों बच्चे ऐसे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बन के निकला है, कोई एसपी है, कोई एसपी है, कोई डीएम बन के निकला है, ऐसे औरत को भी इन्होंने, उस देवी को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उस देवी को इन्होंने जेल में भेजा है। लेकिन खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है, 2022 आने वाली है, सब मेरा परमात्मा ये बदला चुका है। कितनी बड़ी लहर आएगी आजम खान के आने के बाद? अरे जिस दिन आजम भाई आएंगे उस दिन ही तस्वीर दबाही होगी हमारे लोगों की। एक चीज और भी जानी है, लगातार सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाएगा, क्या समझते हैं आप, क्या शिक्षा मंदिर को तोड़ना इतना जरूरी है? अरे जो शिक्षा मंदिर को तोड़ने की बात जो बहुत दूर की है, मैं भाई ये कहना चाहता हूँ, उस मंदिर को तोड़ने वालों की आंखें अंधी नहीं हो जाएंगी? ऐसे मंदिर को तोड़ेंगे जहां पर गरीबों के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा जो ऐसे मंदिर को तोड़ेगा? अरे हमने जितनी मेहनत, कौन है इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन मैं कहूंगा, इंसानियत के दुश्मन, जॉर्ज यूनिवर्सिटी में जितनी हमने मेहनत, आर्य भाई ने मेहनत करी है, ये हमें पता है कि हमारे खुदा को पता है कितनी मेहनत करी, कितना पसीना बहाया है। और इन जो गलत निगाह से जॉर्ज यूनिवर्सिटी को देखेगा, मैं परमात्मा के आगे यही दुआ करूंगा उनका बेड़ा गर्क हो जाए। तोड़ने देंगे आप? कभी नहीं जाए, कोई खुदा नहीं तोड़ने देगा इन बेईमानों से, कहने से क्या है, खुदा बहुत बड़ा है। क्या लगता है आजम भाई पे जो आरोप लगे, इतनी बड़ी सजा काटी हुई उन्होंने, क्या लगता है? हमें तो यही लगता है जुर्म हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, सच्चे इंसानों पे देखो, जो सच्चा इंसान होता है उसके ऊपर जुर्म तो ढहते ही। कितनी हमदर्दी लोगों की आवाज, जो असली जो सोना होता है ना, वो अग्नि में तब के ही पता चलता है कि असली सोना है, हीरे की परख जब ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जसवीर सिंह जस्सा ने अपनी बात रखी है, साफ लफ्जों में कहा है जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तोड़ने के, तो उनके इरादे जो है सब लोग जानते हैं, मगर शिक्षा का मंदिर है और इंसानियत वहां पर पढ़ाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर।